अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शिव्या, शिव्या, ए सुन बेटा, नाचने वाली की टोली कहाँ गई? नाचने वाले आए थे ना? हाँ, वो पर वो परफॉर्मेंस होते ही यहाँ से चले गए। पर आपको क्या हुआ? क्या 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 हुआ बड़ी माँ? आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? हमको ना हमको सुनेना कहीं नहीं मिल रही, हम पूरा घर खोज लिए, बाहर खोज लिए, हमको सुनेना कहीं नहीं मिल रही। बड़ी माँ आप टेंशन मत लो, सुनेना दी ना यही कहीं होगी, अपने नए फोन के साथ फोटोज वीडियोस ले रही होगी, बस आप रुको मैं कॉल करती हूँ। मनु चलो एक सेल्फी लेते हैं, एंगेजमेंट है हमारा, हमें फोटोग्राम पे डाले। हैशटैग क्या होगा? हैशटैग पा ना, क्योंकि हमने एक दूसरे को पा लिया है तो हमारा मिलना एक दूसरे को पाना हो। क्या कहते हो, हैशटैग पाना या कुछ और नाम सोचे? सोच लेंगे ना बाद में, अभी तो शादी में टाइम है, आराम से सोच लेंगे। अच्छा किस्त तो कर सकते हो? अरे बाबा गाल पे क्यों पोज आएगा? मुंगेर महाविद्यालय की सारी लड़कियां ना ये पिक्चर देख के जल भुन जाएंगी। पंकजा देखो आसपास काफी सारे लोग हैं, वो दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वाहरे फर्जी अमेरिका रिटर्न, तुमसे ज्यादा बोल तो ये मुंगेर की ब्यूटी है। अच्छा चलो तुम बस पोस्ट दो, किस्मत करना। करो ना मनु प्लीज। ये किसका फोन पड़ा यहाँ पे? शिव्या। हेलो 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 सुनैना दी। हाँ शिव्या, भैया मैं नमन। अच्छा ये सुनैना का फोन यहाँ पे ऐसे कॉरिडोर में क्यों पड़ा है? जीजू आपके पास देखा फोन कैसे? शिव्या सब ठीक है ना? सुनैना ठीक है ना? थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मनु कहाँ जा रहे हो? मनु हमने एक भी सेल्फी नहीं लिया, मैं फोटोग्राम पे क्या डालूंगी? ये मनु का प्रॉब्लम क्या है? हमारे सिवा हर तरफ इंटरेस्ट दिखता है इसका। काम हो गया लगता है। ये भोलेपन का नाटक, बताइए हमारी बिटिया कहाँ है? हमारी बिटिया कहाँ है बताइए? पागलपन छोड़िए कुमार, हम कुछ नहीं किए हैं। बहुत हो गया, हम जानते हैं, आप जानते हैं हमारी बिटिया कहाँ है। हम आपसे आखिरी बात पूछ रहे हैं, हमारी बिटिया कहाँ है, बता रहे हैं आप या नहीं बता रहे?
परवेश जी सगाई के बाद ई ड्रामा भी रखे थे का सरप्राइज में? हाँ परवेश जी, आपका भैया भाभी का नाक कटा रहे हैं हमरी। मेघना हाँ? बाबू साहेब ड्रामा रचा रहे हैं और यहाँ परवेश जी खुसर फुसर कर रहे हैं, मतलब हमसे तो किसी को बात करने का मन ही नहीं, आप क्या करें? निकले यहाँ से। हाँ जी जी, आप कहे तो ड्राइवर को बुला लूं गेट पे गाड़ी लेके। बुला। और समन जी, अरे आप ऐसा काहे कह रही हैं? अरे वहाँ जो चल रहा है ना, पति पत्नी के बीच में जो रोज का होता है ना, बस वही समझ लीजिए। वैसे एक बात कही आपसे, अरे म्यूजिक पे बहुत ही बढ़िया नाची आज आप। अरे आपका कमर तो बहुत ही बढ़िया चलता है म्यूजिक का धुन पे। तो ही कोई मामूली झगड़ा नहीं लग रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है भैया। तुम्हें लगेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे घर की बीवियां झगड़ा नहीं करती, सीधा बेइज्जत करती है। बाबू साहब सच सच बताइए, क्या किया है आपने हमारी बच्ची के साथ? तुम बाबू साहब क्या किया है आपने हमारी बच्ची के साथ? पागल मत बनिए। सुने ना क्या हो तुम? सुने ना? अरे बोलिए ना जी, ये गर्भवती है का? नहीं ना, वो रिपोर्ट में का लिखा है? अरे बोलिए ना, आपसे पूछ रहे हैं। बस सर, प्रेग्नेंट है पूरी। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 11 बजे। ये लड़का वही है ना जिसने हमारा पहला वार फेल किया था? हाँ, बाबू साहब का होने वाला दामाद नमन, हाँ यही तो है वो। बाइक की चाबी दे। क्या हुआ? अरे कुछ लोग सुनैने को किडनैप करके लेके जाए। चाबी दे। आप क्या बात कर रहा? अरे सुन, अरे रुकना, हम भी चलेंगे यार।
हमें मेल काहे नहीं रही है वो? फिर जवाब दीजिए, हमारी बिटिया कहाँ है? आप मुझे बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं? अंकल जी, आंटी जी, सुनैना को कुछ लोग उठा करके लेके आए और नमन उन लोग को पकड़ने के लिए साथ में पीछे पीछे चला गया है। महारानी अपना जलवा दिखा ही दी, अब नमन सिंह भी नहीं बचा पाएगा उनको। भौरी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। रसोई में अपना जान देने का कोई जरूरत नहीं, व्यवस्था के लिए रख लिए हम। हमारे तुम्हारे बीच का अब सब बाधा खत्म करो और एक कलंक के खत्म होने का भी वक्त आ गया। इसका मतलब हम सही थे, सुनैना को उठवाने में बाबू साहेब का ही हाथ था। हे देवी मैया, हमारी बच्ची। कहा बोल रहे हो तुम? और तुम बउआ के पीछे काहे नहीं गए, यह कहा आए हो? अरे हम का? अरे हम तुम्हें अपन कौन था? देखे तो बाबू साहेब ने कंडीशन रख दी है कि उनके दामाद को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, वरना इस लौंडे को तो हम कब का निपटा देते। अब आपके बेटे नहीं बल्कि उसे बचाने वाला वो लड़का भी नहीं बचेगा। नमन सिंह हमारे घर का होने वाला दामाद है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। क्या कह रही है महारानी मैडम जी? बोले तो निपटा दे इस लौंडे को। है कुमुद, कहा हो? कुमुद, 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 कहा हो? अरे परवेश, डॉक्टर को बुलाओ जरा। कुमुद, 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 कुमार, काफी, कुमार, कुमार, ए कुमार। बड़ी माँ उठ गई। भाई साहब हम डॉक्टर को फोन कर दिए, वो आ रही। हाँ हाँ हाँ, तो एक और कमरे में लेके चलते हैं। रमला, सब मेहमानों को बिदाई दे दो, हम आते हैं। माफ कीजिएगा, अब कुमरीत का तबीयत ठीक नहीं है तो। इस मनहूस को भी आज ही किडनैप होना था क्या? लो बताओ, इतना मुश्किल से हम राजकुमारी जी को बहलाए फुसलाए थे, अभी सब कांड के बाद वो कहा सोच रहे होंगे अपने परिवार के बारे में। अरे आपको बस परिवार की पड़ी है, कोई हमारे बारे में सोचेगा कि नहीं? एंगेजमेंट का पार्टी हमारा बर्बाद हुआ, सुनैना के पीछे हमारा फियांसे भागा, और आपको बस परिवार की पड़ी है? हम समझ सकते हैं पंकजा, पर ये बात बिल्कुल सही कह रही हो तुम। जब से सुनैना वो लाल दरवाजा से बाहर आई है ना, तब से हमारे परिवार पर ना किसी का काला नजर लग गया है। वो बउआ फोन भी नहीं उठा रहा है। सुनो, मुंह सही कर लो, राजकुमार जी आ रही है। हम तो सुने थे कि बाबू साहब के घर पे कोई नजर नहीं डालता है,
और यहाँ भरी महफिल में कोई हाथ डाल के उनकी बिटिया को किडनैप करके ले गया है, ये माजरा कहाँ है? आपको तो पता होगा, बताइए। अब हम का बोले समधन जी, देखिए वैसे तो हमारा परिवार का जाफरी सुनैना का कोई दुश्मन नहीं है, पर ये समाज कितना बुरा है ये भी तो आप अच्छी तरह से जानती है ना। और वैसे भी हर लड़की हमारी पंकजा जैसी संस्कारी और समझदार तो नहीं ना होती है। अब उस सुनैना नया नया सुसाइड ही देखी है तो भटक गई होगी, कोनो किडनैप करके ले गया होगा, बस इतना सही बात है। और हमारा बेटा, हमारा बेटा उसे ढूंढने के चक्कर में परेशान हो रहा है, उगा का वो भी तो कम नहीं है ना, क्या जरूरत था उसके पीछे पीछे जाने का? का? मैं तुम्हारे जैसे खोया हुआ प्यार फिर से जगा दूंगी, मैं वादा करती हूँ। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते रजत। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7:30 बजे। वो मेरा मतलब था, नमन दिल के बहुत नरम है ना, तो सबकी हेल्प करते हैं। अब देखिए ना, हेल्प करने के चक्कर में खुद ही फंस गए। अरे हमारी नरेटी से साफ नहीं जा रहा है, आप खड़े होके मुंह देख रहे हैं, आप मुहूर्त निकलवाए का? अरे पुलिस को खबर कीजिए, कीजिए खबर। देखिए जी, इस पूरे मुंगेर में किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे नमन को हाथ लगा दे। सूरज, पुलिस को फोन करो, हम गाड़ी निकलते हैं। चलिए तो ऐसे पीछे पड़ा है जैसे हमने इसकी हीरोइन को ही अपने साथ उड़ा कर ले गए। अरे इसकी हीरोइन तो पंकजा है, और ये तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात लग रही है, और ये तो दीवाना है इस चिरैया का। ये बात अगर बाबू साहब को पता चले ना, तो हमसे पहले वही इसको गोली मार देंगे। बाबू साहब की गोली की औकात को हमारी गोली से ज्यादा तोल दिया रोशन। इस हीरो को तो हम ही मारेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, माइल्ड पैनिक अटैक था, ये कुछ दवाएं हैं, जैसे ही उठती हैं फिला दीजिएगा इन्हें। जी जी, थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर दीजिएगा बाबू साहब। जी।
आपको अंदाजा है ये चोरी कौन करवा सकता है? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है राधिका। पहले तुम्हारी किडनैपिंग और अब ये चोरी, इसका पता सिर्फ पुलिस लगा सकती है। ये पुलिस का चक्कर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हमें जल्द से जल्द दिव्यम जी से शादी करनी होगी। पर कैसे? ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 8 बजे। भाई साहब, हम पुलिस को भी खबर कर दी है, वो जल्दी सुनैना और नमन को ढूंढ लेंगे। घबराओ मत परवेश, नमन को कुछ नहीं होगा। और सुनैना को? वो के साथ वही होगा जो अनु के साथ 21 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो अनु कुछ दिन पहले भी हो जाना चाहिए था। तुम्हें कर देना चाहिए था पर तुम कर नहीं पाए, पर कौनो बात नहीं, अब होगा वो काम। लेकिन भाई साहब, सुनैना के साथ नमन है, लड़का में बूता बहुत है, बचा लेगा उसको। अरे परवेश, वो नमन में महारानी से ज्यादा बूता नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा नमन सिंह। घबराओ मत, ये बारी काम होकर रहेगा। कुछ नहीं होने दूंगा, ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। सुनैना, सुनैना।